इंडिया द्वारा 18 अगस्त से 20 अगस्त तक 3 दिवसीय जन्माष्टमी प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जिसमें गोंदिया के ज्यादा से ज्यादा भक्त शामिल हुए। 18 से लेकर 19 तक विशेष तैयारी की गई थी। भगवान श्री राधा माधव की श्रृंगार दर्शन आरती से लेकर महाभिषेक को भगवान को 56 भोग चढ़ाए गए। इसी बीच इस्कॉन गोंदिया द्वारा रेलवे स्टेशन पर खिचड़ी प्रसाद वितरण करने का आयोजन भी किया गया और 18 अगस्त की रात में खिचड़ी प्रसाद का वितरण किया गया। इस्कॉन गोंदिया के प्रवक्ता दामोदर चंद्र प्रभु ने बताया कि जीवन के लिए भोजन अन्नमृत एक ऐसी सेवा है जो इस्कॉन द्वारा पूरे विश्व में चलाई जाती है, जिसमें भक्तों की सेवाओं द्वारा पहले भोग तैयार किया जाता है, फिर उसे भगवान को भोग लगाया जाता है, उसके बाद लोगों में प्रसाद वितरित किया जाता है। इसकी पहल इस्कॉन के संस्थापक आचार्य A.C. भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने की थी। BCN न्यूज के लिए दबनीवाड़ा से वैभव खोबरागढ़ी की रिपोर्ट।